हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान एंड आज का जो सॉन्ग है वो जो मणिपुर का है। और माफ़ करना, अब बहुत टाइम के बाद किसी मणिपुर की वीडियो पर रिएक्शन दे रहा हूँ क्योंकि तबीयत ना साथ चल रही है। ऊपर से मेरा आजकल का जो स्कीड्यूल है वो बहुत टाइट हो गया, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो आज संडे है तो मैंने सोचा तो भाई रिएक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। इतना भी वेट नहीं करवा सकता मैं अपने मणिपुरी सब्सक्राइबर्स को। तो आज की जो वीडियो है वो उसका नाम है, मतलब जो सॉन्ग है उसका नाम है नुंगसिरे इना नुंगसिरे। और ये आपको मिल जाएगा टंठा यूट्यूब चैनल पे। और इस सॉन्ग को जो गाया है वो गाया है बितन चोंगथाम एंड अनालिशा ने। कास्ट है खाबा एंड बिजू। ओके, बिजू जी हैं, मैंने का एक सॉन्ग और भी किया है। अगर आपको अपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और लिरिक्स दिए हैं दलोम गुरुमायूम ने। और बाकी बात करें तो डायरेक्टर है नौथी रोम, कॉस्ट्यूम है ओहोहो मकस। माफ करना अगर मैं किसी का नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं क्या हो गया, मुझे हिचकी पे हिचकी आई जा रही है, बड़ा ही हाल सुबह से। सो ये थी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इस सॉन्ग के बारे में। फटाफट सॉन्ग को सुनते हैं और फिर देखते हैं कैसा है सॉन्ग। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक टाइम से लेके आते रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। 1 2 3 रोमांटिक सॉन्ग लग रहा है मुझे कोई। ओ नुंगसिरे इना नुंगसिरे नंगसे नंतरे आइगिरे। ओ यार, लोकेशन तो बहुत सही है, सब कपल्स ही है। ये बहुत क्यूट है यार। और ये भी जगह है या ये सेट जो बनाया गया जगह है तो बहुत खूबसूरत। स्टेप अच्छे हैं, क्यूट है। बस
कितना खूबसूरत है। म्यूजिक वीडियो बाय नॉथी आया बहुत बढ़िया डायरेक्शन। वैसे मुझे ना ये सेट बहुत पसंद आया। ये जो सेट था कि कोई जगह थी वो आप बताओ, पर अगर ये सेट है तो बहुत बढ़िया था। ऐसा ही सेम सेट ना साउथ इंडिया की एक मूवी है, मतलब अल्लू अर्जुन की मूवी है। अगर कोई साउथ इंडियन फिल्में देखता है तो इस नाम को जरूर जानता होगा। वो वहाँ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और उनका एक अभी नई मूवी आई थी, उसमें एक सॉन्ग था बुमा बटका कुछ ऐसा नाम है उसका। और उस गाने का जो सेट था ना वो कुछ ऐसे ही था। तो मैं देख सकता हूँ कि भाई आप जो मणिपुरी वीडियो का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर जा रहा है। इवन ये जो पीछे का सेट था और पूरी वीडियो का जो पीछे का बैकग्राउंड था ना बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज़ के लेवल का था। सही में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है एक्सप्रेशन वाइज भी, और वो मतलब जो मणिपुरी एक्टर्स हैं उनके एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, और डांस स्टेप्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब वो छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है ना इसपे जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज़ जो हैं वो ध्यान देती हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि मणिपुरी जो वीडियोस होती है वो छोटी छोटी डिटेल्स पे भी अब ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। आज से आई थिंक 10 से 15 साल के बाद अगर ऐसे ही इम्प्रूव करते रहे तो एक दिन जितनी साउथ इंडियन इंडस्ट्री फेमस है और जितनी वो टक्कर देती है बॉलीवुड को, एक दिन नॉर्थ ईस्ट की जो इंडस्ट्री है और स्पेशली अगर मणिपुर की मैं बात करूँ तो ये बहुत इम्प्रूव करेगी और एक दिन जो है बॉलीवुड को शायद जो है टक्कर भी दे, अगर इम्प्रूवमेंट ऐसे ही जो है चलती रही। बहुत बढ़िया काम था और सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था और कंसेप्ट भी बहुत क्यूट था, डांस भी बहुत क्यूट थे और दोनों के एक्सप्रेशन मेल फीमेल वो भी बहुत सही थे। ओवरऑल ये सॉन्ग बहुत बढ़िया था और इसको मतलब इसने ये सॉन्ग सुन के ना आने वाला जो बचा हुआ संडे है मेरा वो सही में अच्छा जाने वाला है, सही में मन खुश कर दिया है। सो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आजकल मौसम चेंज हो रहा है भाई, पता नहीं आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ नॉर्थ में क्या हो रहा है स्पेशली अगर मैं अपनी जगह की बात करूँ तो दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में मौसम ठंडा हो जाता है, इसकी वजह से ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे बंदे का यहाँ पर गला खराब हो रहा है। तो अगर आपके यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो भाई थोड़ा संभल के रहो, ठीक है। वैसे कोविड जो है फैला हुआ है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, तो थोड़ा फैन फून से रात को थोड़ा कंबल लेकर सोया करो, ठीक है। जनहित में जा रही ये मेरी एडवाइस है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।